मुझे जॉन इब्राहम पसंद है। ओह माय गॉड। अच्छा बताओ कि बीइंग अ पाकिस्तानी, जब आप लोग इंडिया का वर्ड सुनते हो या इंडिया के बारे में कहीं पढ़ते हो या देखते हो, तो क्या चीज़ आती है पहले माइंड में, क्या सोचते हो? इंडिया जाने का मौका मिले जाओगी? हाँ जाओ। क्या करने? मैं वहाँ से शॉपिंग करने अपनी शादी की। शादी की शॉपिंग? जी, इनको भी शादी की। वहाँ से साड़ियाँ वगैरह, यही चीजें। साड़ियाँ, हर लड़की को वहाँ से साड़ियाँ लानी है। अब तो मुझे भी चाहिए। हाँ ना, मुझे भी चाहिए। जब आपको मिले ना तो आप एकदम मुझे, जब आपको मिले आपने मुझे मेरे लिए, ठीक है, डन हो गया। ट्राई नहीं अभी तक तो कभी भी नहीं किया, मतलब जिस तरह वो चिकन को हर पनीर से रिप्लेस कर देते हैं ना, मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है पनीर में जो हर चीज़ चिकन से रिप्लेस हो जाती है। तो ये तो बड़ा प्लस पॉइंट है ना, यहाँ चिकन की बड़ी बुराइयाँ सुनने को मिल रही होती है। एक लिहाज से अच्छा है, मतलब इन्होंने हमें पता नहीं ये लाहौरियों के बारे में क्या कुछ नहीं मशहूर किया, इन्होंने क्या कुछ नहीं खा लिया होगा। वाकई में वो जो इनकी एक पालक पनीर एक डिश है, उसको वाकई में खाने का बहुत दिल करता है, लेकिन मसला ये है कि इधर कभी ट्राई नहीं की मैंने। तो जी, पाकिस्तान की बहुत सुंदर सुंदर अप्सरा लड़कियाँ आपको बताने वाली है कि इंडिया में क्या अच्छा लगता है, इंडिया से अगर उनको कुछ सीखने को मिले, लेने को मिले तो क्या ले जाएंगी। चलिए वीडियो को देखते हैं। आर्मी से हो? नहीं नहीं, आर्मी से नहीं, एयरफोर्स से हूँ। अच्छा आर्मी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मैं पूछूँ कि वुड यू थिंक अबाउट इंडिया, क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में? इंडिया, इंडिया की ज्वेलरी, उनके कपड़े, उनका खाना, उनका कस्टम, बड़ा मजे का, इंटरेस्टिंग है। अच्छा अब बताओ क्या सोचती हूँ? इंडिया के साड़ी, उनके कपड़े, उनकी ज्वेलरी, उनका खाना। विजिट किया कभी इंडिया? नहीं। दिल चाहता है? हाँ दिल चाहता है कि बंदा एक बार देखे यार, मतलब हम टीवी पे और उस पर देखते हैं तो बड़ा दिल चाहता है देखने का। क्या चीज़ ऐसी होगी वहाँ जाके जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी और सबसे पहले उस पर जाके जो है ना गिर जाओगी? गिर जाऊंगी वहाँ के ड्रेसेस। वहाँ के ड्रेसेस? हाँ ड्रेसेस। पीछे से आवाज आ रही है शाहरुख खान, शाहरुख खान पे तो नहीं गिरोगी? नहीं, शाहरुख खान मुझे पसंद नहीं है, मुझे जॉन इब्राहम पसंद है। ओह माय गॉड। अच्छा मुझे बताओ कि अगर इंडिया जाने का मौका मिले जाओगी? हाँ जाऊंगी। क्या करने? मैं वहाँ से शॉपिंग करने अपनी शादी की। शादी की शॉपिंग? जी, इनको भी शादी की शॉपिंग के लिए इंडिया जाना है। इंडिया जाके वहाँ से कौन सी ऐसी चीज़ है जो वापस पाकिस्तान लेके आना चाहोगी? इंडिया जाके कौन सी चीज़? वहाँ से साड़ियाँ वगैरह, यही चीज़ें। साड़ियाँ, हर लड़की को वहाँ से साड़ियाँ लानी है। अब तो मुझे भी चाहिए। हाँ ना, मुझे भी चाहिए। जब आपको मिले ना तो आप एकदम मुझे, और जब आपको मिले आपने मुझे मेरे लिए, ठीक है, डन हो गया। चलो सही है। उसके अलावा मुझे बताओ कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ रह के सोशल मीडिया के थ्रू या हर जगह हम लोग देखते हैं इंडिया की बहुत अट्रैक्ट करती है? इंडिया की सबसे ज़्यादा चीज़ हमें क्या अट्रैक्ट करती है, क्या अट्रैक्ट करती है देखिए, यही चीज़ें जो होती हैं उनके ड्रामा वगैरह देख के, ये ड्रामा मूवीज, साड़ियाँ, झूमर झूमर, यही चीज़ें होती हैं उनके, बड़े मज़े की होती है जो पाकिस्तान में नहीं है। जी, वहाँ पे ना लाइक खुले आम लोग यहाँ पे खड़े होकर वो डांस करना शुरू करेंगे, कुछ भी कर लेंगे, यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो सकती, तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो अच्छी लगती है, मैं वहाँ जाके नाचूं, माधुरी बन जाऊं। हाँ सही बात है, मेरे बन जाने वहाँ जाके। चलो सही है। हीरो अगर कोई चूज करना पड़े इंडिया से कौन सा होगा? बताया जॉन इब्राहम। ओके सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट। चलो सही है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? ईमान बाबर। तहजीन खालिद। ईमान और तहजीब खालिद, क्या करते हो? बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं हम भी। ओके, दोनों सेम ही डिपार्टमेंट से हो। मुझे ये बताओ कि बीइंग अ पाकिस्तानी, जब आप लोग इंडिया का वर्ड सुनते हो या इंडिया के बारे में कहीं पढ़ते हो या देखते हो, तो क्या चीज़ आती है पहले माइंड में, क्या सोचते हो? उनका कल्चर वगैरह ही आता है, जिससे हमारी मतलब सिमिलैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर वो जो रिलीजियस डिफरेंस है वो भी आता है सामने, कि वो दुश्मन देश वाली चीज़ एक। और दूसरा ये कि उनके मीडिया का बहुत बड़ा इसमें रोल है, उनका मीडिया चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हों चाहे वो मूवीज़ हों, वो मतलब पाकिस्तान का हमेशा गलत व्यू दिखाते हैं, जिसकी वजह से वो हमें बुरा ही समझते हैं, जबकि पाकिस्तान की ड्रामाज़ और मूवीज़ में इंडिया को इतना बुरा नहीं दिखाया जाता कि हम उनके बारे में या तो हम उनके इतने खिलाफ हों। वो हमेशा अपनी फ़ौज को प्रमोट करते हैं अपनी मूवीज़ के थ्रू, यहाँ पर कोई मतलब इस तरह के नहीं प्रोजेक्ट्स बनते कि हम अपनी फ़ौज को प्रमोट करें, बल्कि सोशल मीडिया पर और पॉलिटिशियंस वगैरह फ़ौज को ही डिग्रेड कर रहे होते हैं कि उनका कोई गलत रोल है हमारे। आपने कहा कि ना हम लोग जो हैं उनको गलत इमेज पोर्ट्रे हम नहीं करते। देखो पाकिस्तानी भी, जितने भी पाकिस्तानी हैं ना, वो लोग भी हमेशा से ये सोचते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ऐसे कर गया। हमारी बचपन से हिस्ट्री और कि सबकी किताबों में यही लिखा होता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है क्योंकि उसने कश्मीर ले लिया हमसे, क्योंकि पार्टीशन के वक्त कत्लो गारत हुई, उन्होंने मुसलमानों को मारा। मतलब हमारे दिमागों में भी तो नेगेटिविटी ही डाली जाती है बचपन से। अगर वो वैसा कर रहे हैं, हम भी इन रिटर्न वैसा ही करते हैं। खैर, अदर दिन डेट आपने बात की कल्चर की, तो नो डाउट कल्चर उनका बहुत प्रमोटिंग है, बहुत फैसिनेटिंग है, बल्कि हम कॉपी भी करते हैं मेहंदी जैसे और भी इसके अलावा बहुत से इवेंट्स। आप क्या सोचते हैं इंडिया का नाम सुन के? कल्चर के लिहाज से उनका जो एक फेस्टिवल है दिवाली, वो बहुत पसंद है, मतलब जो ये फायरवर्क्स और पटाखे वगैरह वहाँ पर चलाते हैं। और इसके अलावा तो फिर वही सारी बातें आ जाती हैं, उनका येलो जर्नलिज्म, जो कितना कुछ वो गलत पोर्ट्रेट करते हैं अपनी, मतलब इतनी फेक न्यूज़ अपने मुल्क के बारे में वो फैला रहे होते हैं। और दूसरी फिर वही आ जाती है, आए दिन चांसेस जो उधर मकबूजा कश्मीर में हो रहे थे, जितना जुल्म सितम वहाँ पे किया जा रहा होता है, यही है। अच्छा तहजीब, तहजीब नाम बता? तहजीन, तहजीन, सॉरी। अच्छा तहजीन, देखो आपने कहा कि वहाँ पे कश्मीर में बहुत जुल्म सितम दिखाया जा रहा होता है,
यहाँ पे भी तो उस चीज़ को वैसे ही शो करा के मुसलमानों के दिमागों में वो चीज़ डाली जा रही होती है। हमारा मीडिया ये दिखा रहा होता, उनका मीडिया नहीं दिखा रहा होता। वहाँ पे कश्मीरियों से भी अभी कुछ रोज़ पहले मैंने इंटरव्यू किया, मतलब उनकी वीडियोस पे ना मैंने रिएक्शन लिया पाकिस्तानियों के, लिटरली वहाँ के लोग कह रहे थे कि हम यहाँ खुश हैं, हमें जितनी डेवलपमेंट यहाँ मिल रही है हम पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में नहीं जाना चाहते। अब आप देखो कि यहाँ पे एक बंदा गुर्बत के हाथों मर रहा है, वहाँ पे अगर इंडियंस के हाथों मर रहा है तो कोई खासा डिफरेंस तो नहीं। मेरी एक फ्रेंड है मकबूजा कश्मीर से, मेरी उससे सोशल मीडिया पे काफ़ी बात होती है, तो वो जिस एरिया में रहती है वहाँ पे वो सेफ है और उसे सारी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं। वो पाकिस्तान के बारे में कहती है कि यहाँ पे मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे जुल्म सितम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो या भींगा गर्ल घर से निकलने से थोड़ा डरती है कि शायद वो सेफ नहीं है। एरियाज़ की बात है, शायद कुछ एरियाज़ में है जुल्म और कुछ एरियाज़ में नहीं है, कुछ सेफ़ हैं। तो जो सेफ़ हैं वो यही कहेंगे कि हम खुश हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब हर जगह हर तरह के लोग हैं। हाँ जी एग्जैक्टली। अच्छा व्हाट इज़ द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग अबाउट इंडिया? फैसिनेटिंग थिंग ताजमहल। ताजमहल और आपके अकॉर्डिंग? मुझे कोई इतनी फूड, मुझे स्ट्रीट फूड उनका काफ़ी करता है कि मैं खाऊँ या ट्राई करूँ। ऊपर से कभी किया ट्राई? नहीं अभी तक तो कभी भी नहीं किया। मतलब जिस तरह वो चिकन को हर चीज पनीर से रिप्लेस कर देते हैं ना, मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है पनीर में जो हर चीज़ चिकन से रिप्लेस हो जाती है। तो ये तो बड़ा प्लस पॉइंट है ना, यहाँ चिकन की बड़ी बुराइयाँ सुनने को मिल रही होती है। एक लिहाज से अच्छा है, मतलब इन्होंने हमें पता नहीं ये लाहौरियों के बारे में क्या कुछ नहीं मशहूर किया, इन्होंने क्या कुछ नहीं खा लिया होगा। वाकई में वो जो उनकी एक पालक पनीर एक डिश है उसको वाकई में खाने का बहुत दिल करता है, लेकिन मसला ये है कि इधर कभी ट्राई नहीं की मैंने। अच्छा कुछ डिशेज जो हैं यहाँ पे भी बागी है, जैसे वड़ा पाव हो गया, डोसा, उसके अलावा पानी पूरी, तो वो चीज़ें यहाँ पे ट्राई किया लोगों ने? नहीं अभी तक तो मतलब लाहौरी फूड ही इतना दिल में समाया हुआ है कि कभी इंडियन को अपने वो पाए वोंग और निहारी वगैरह से दिल नहीं अभी हटा के हम ये सब ट्राई करें। गर्ल्स डोंट यू थिंक सो एक बड़ी मेजर चीज मिस कर रहे हो आप लोग? उनकी ड्रेसिंग, उनकी साड़ियाँ, उनके झुमके, उनकी ज्वेलरी किसी हद तक मैच ज्वेलरी मैच करती है, लेकिन वाकई में जो मतलब उनका लेवल है ज्वेलरी का वो पाकिस्तान में वैसी ज्वेलरी नहीं मिलती, और फिर साड़ीज तो फिर वाकई में वो लव है। लेकिन रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से भी तो हमारी अपने कल्चर और रिलीजन के हिसाब से हम ड्रेसिंग करते हैं, वो फिर साड़ी की तरह मतलब हम पेरेंट्स भी नहीं मानते और फैमिली में भी नहीं अलाउ होता कि हम इस तरह की ड्रेसिंग करें क्योंकि जिस तरह के वो अलाउ है। कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंस इन चीज़ों में आ जाता है, लेकिन अट्रैक्ट तो करती है, मुझे तो बहुत अट्रैक्ट करती है। बहुत ज्यादा कवर्ड तरीके से पहन ले। हाँ ये है, मतलब पाकिस्तान में पहनती हैं लड़कियाँ कवर्ड तरीके से पहनती हैं और वो अच्छी लगती हैं। हाइट अच्छी हो तो फिर अच्छी लगती है, मेरी नहीं है तो इसलिए मुझ पे नहीं है। मेरी भी हाइट छोटी है, मतलब दिल करता है पहनने का लेकिन कभी पहनी नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा सिर्फ शादी में पहन सकते हैं, वो तो डेली रूटीन में मतलब पहन लेती हैं, ये फायदा है। और दूसरी बात ये वो जो अपने ड्रामाज में दिखाते हैं कि इतना सच सवर के वो जा रही होती हैं, बिल्कुल रियलिटी से हटके ये चीज़ दिखाई जा रही होती है कि मतलब कभी इधर आके देखे कि हम किचन में कैसे काम कर रहे होते हैं, ये ड्रामा में क्या दिखा रहे होते हैं। अच्छा वैसे तो हमारी ड्रामा एक्ट्रेस भी कभी मेकअप के बगैर नहीं आती, हमेशा उन्होंने नो मेकअप लुक दी हुई होती है। बाकी कोई मसला नहीं है, आप लोगों ने साड़ियाँ पहनी होती है, हील पहन के पहन लिया अगर व्हाइट इज नॉट बिग डील। तो आपने इतनी सुंदर सुंदर पाकिस्तानी लड़कियों से जान लिया कि भाई इंडिया की कौन सी बात अच्छी लगती है, मतलब पाकिस्तानी लड़कियों को भाई इंडिया में क्या अच्छा लगता है? भाई अच्छा तो उन्हें बहुत लगता है, लेकिन बुरा पता क्या लगता है? उन्हें बुरा लगता है कि हम तो लोग चिकन नहीं खाते भाई, हम पनीर खाते हैं। अरे मैडम ये कौन सी बात हुई यार, अभी कुछ ऐसी बातें करो ना कि इंडिया ने जो है मिसाइल बना ली, हम मिसाइल नहीं बना सकते, हमें इंडिया से मिसाइल बनाना सीखना चाहिए। नहीं तुम्हें तो भाई चिकन प्याना है, क्या है यार ये लोग, मतलब काम की बातें इनसे कभी होती नहीं है। बाकी भाई आपने बोला था कि सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट लड़कियों को लेके आओ, तो लेके आए भाई आपके लिए, पकड़ के ले गए आप लोगों के लिए। और भी कुछ फरमाइश हो तो कमेंट में बता दो या फिर हमें इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो। तो जी हम मिलने वाले आपको अगली बेहतरीन वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए हम बाय बाय।